Welcome student, let's start our maths class for class 4. Today we will solve exercise 37. First question is, find out if the following fraction are in the lowest term. ये इस question में जो fraction दिए गए हैं वो lowest term में है या नहीं है ये हमें मालूम करना है. First of all we will know what is lowest term. If fraction is in the lowest term, if one is the only common factor of its numerator and denominator. Numerator के factor और denominator के जो factor हम निकालेंगे उसमें से common factor सिर्फ one अगर है तो वो lowest term में है. अगर one से ज्यादा आपके common factor है तो वो lowest term में नहीं रहेगा. A number 4/6. The factor the factors of the numerator 4 are 1, 2 and 4. The factors of the denominator 6 are 1, 2, 3, 6. Common factors common factors 1 and 2. कॉमन फैक्टर 1 and 2 है मीन्स 1 से ज्यादा है इसलिए 4/6 इज नॉट लोएस्ट टर्म. 4/6 लोएस्ट टर्म में नहीं है. 4/6 इज नॉट इन द लोएस्ट टर्म. 4/6 इज नॉट इन द लोएस्ट टर्म. ये जो 4/6 है ये लोएस्ट टर्म में नहीं होगा क्योंकि इसकी कॉमन फैक्टर 1 और 2 है और कॉमन फैक्टर के लिए इम्पॉर्टेंट है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के जो आप फैक्टर निकाल रहे हैं इसमें सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर होना चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6/9. द फैक्टर्स ऑफ द numerator 6 are 1, 2, 3 and 6. The factors of the denominator 9 are 1, 3 and 9 के फैक्टर है. द कॉमन फैक्टर्स 1 and 3. सो 6/9 इज नॉट इन द लोएस्ट टर्म. ये जो 6/9 है ये भी लोएस्ट टर्म में नहीं होगा क्योंकि इसमें क्या है आपका कॉमन फैक्टर 1 and 3 है. 1 और 3 है मीन्स 1 से ज्यादा है तो ये लोएस्ट टर्म में नहीं होगा. आपका सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर नॉट इन द लोएस्ट टर्म. इसमें आपको क्या करना है कि लोएस्ट टर्म बताना है कि लोएस्ट टर्म में ये है या नहीं है. तो आप बिल्कुल इसी के जैसा फैक्टर निकालेंगे न्यूमरेटर के और डिनोमिनेटर के, फिर कॉमन फैक्टर को चेक करेंगे कि कॉमन फैक्टर आपका 1 है या 1 से ज्यादा है. अगर 1 है तो वो आपका लोएस्ट टर्म है, अगर 1 से ज्यादा कॉमन फैक्टर है तो वो लोएस्ट टर्म में नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिड्यूस टू द लोएस्ट टर्म. आपको इसमें सबसे न्यूनतम रूप में इस फ्रैक्शन को करना है. फर्स्ट क्वेश्चन इज 2/4. 2 के फैक्टर निकालेंगे और 4 के फैक्टर को निकालेंगे. द फैक्टर्स ऑफ द
न्यूमरेटर 2 आर 1 एंड 2 द फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर 4 आर 1, 2, 4 कॉमन फैक्टर्स 1, 2 ये जो फैक्टर निकाले 2/4 का तो न्यूमरेटर 2 के फैक्टर 1, 2 डिनोमिनेटर 4 के फैक्टर 1, 2, 4 कॉमन फैक्टर्स 1 एंड 2 फ्रैक्शन 2/4 है तो हम क्या करेंगे इसे कट करेंगे तो 1 से कट करते हैं तो सेम नंबर मिलेगा तो फिर नेक्स्ट जो कॉमन फैक्टर है उससे इसको डिवाइड करेंगे तो इसको जब उस नेक्स्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो एक बात का ध्यान रखेंगे कि कॉमन फैक्टर जो होना चाहिए वो आपके फ्रैक्शन के नंबर से बड़ा नहीं होना चाहिए तो वो कट नहीं हो पाएगा मीन्स डिवाइड नहीं हो पाएगा अगर वो उससे छोटा है तो डिवाइड होगा 2, 1 जा 2, 2, 2 जा 4 मीन्स 1/2 ये 1/2 आपका आंसर हुआ मीन्स इस क्वेश्चन में आपको सबसे न्यूनतम रूप में ये फ्रैक्शन को करना है इसके लिए हम क्या करेंगे फैक्टर निकालेंगे जो भी आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होगा फिर कॉमन फैक्टर निकालेंगे फिर आप कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर Exercise 38. In this exercise 38, we will know addition of fraction. इस exercise 38 में हम लोग addition जानेंगे fraction के addition को कैसे solve करते हैं. Formula for sum of like fraction, sum of numerator by common denominator. ये like fraction का formula है. Sum of numerator जब हम add करेंगे तो उसका ये formula है. Sum of numerator by common denominator. फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सम 1/4 + 2/4 इन दिस क्वेश्चन डिनोमिनेटर आर सेम सो वी फॉलो द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ लाइक फ्रैक्शन यहां पे हम लोग लाइक फ्रैक्शन के फॉर्मूला को फॉलो करेंगे ये डिनोमिनेटर सेम है तो सेम डिनोमिनेटर है तो कॉमन डिनोमिनेटर 4 फर्स्ट न्यूमरेटर 1 प्लस सेकेंड न्यूमरेटर 2 1 + 2 = 3 न्यूमरेटर इज 3 एंड डिनोमिनेटर 4 3/4 आंसर विल बी 3/4 इस फॉर्मूला पे लाइक फ्रैक्शन का जो एड होगा उसे सॉल्व करेंगे फॉर्मूला है सम ऑफ न्यूमरेटर बाय कॉमन डिनोमिनेटर जब आपके फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन में रहेंगे तो आप कॉमन डिनोमिनेटर निकालेंगे और न्यूमरेटर को एड कर देंगे तो 1 फर्स्ट न्यूमरेटर 2 सेकेंड न्यूमरेटर 1 + 2 = 3 3/4 आंसर 3/4 नेक्स्ट क्वेश्चन इज एड टुगेदर 5/17 एंड 2/17 ये दोनों फ्रैक्शन को एड करना है सेम डिनोमिनेटर है मीन्स ये लाइक फ्रैक्शन में है तो जो सम ऑफ लाइक फ्रैक्शन इक्वल सम ऑफ न्यूमरेटर बाय कॉमन डिनोमिनेटर कॉमन डिनोमिनेटर 17 फर्स्ट न्यूमरेटर 5 प्लस 2 इज सेकेंड न्यूमरेटर 5 + 2 = 7 7/17 इसमें आपको ऐड करना है प्लस का सिंबल नहीं दिया है तो आप पहले एक क्वेश्चन रेडी कर लेंगे 5/17 + 2/17 इससे आपको आसानी होगी फिर ये लाइक फ्रैक्शन में है तो इसके कॉमन डिनोमिनेटर को निकालेंगे और न्यूमरेटर को ऐड करेंगे फर्स्ट न्यूमरेटर 5 सेकेंड न्यूमरेटर 2 5 + 2 = 7 डिनोमिनेटर 17 7/17 आंसर विल बी 7/17 फ्रैक्शन आपका क्या रेडी होगा 7/17 ये आपका आंसर हो जाएगा एक्सरसाइज 39 फर्स्ट क्वेश्चन इज ऐड 2/3 + 5/6 In this question, denominator are different. So we find the LCM of the denominator 3 and 6. इसमें denominator different है. तो हम पहले इसका LCM निकालेंगे, फिर इसको like fraction में change करेंगे और उसके बाद add करेंगे. LCM of
ऑफ द डिनोमिनेटर 3 एंड 6 इक्वल टू 3 और 6 कैल्सियम को निकालेंगे, 6 3 और 6 के एलसीएम को निकालें तो एलसीएम आपका 6 आया, 6 डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 3, 6 को फर्स्ट जो आपका फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, वी गेट 2, 6 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 6, ये सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, आंसर विल बी 1, यहां पे आपका आंसर 1 आएगा। नेक्स्ट स्टेप में 2 बाय 3 आपका फर्स्ट फ्रैक्शन है, 2 मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर 2 एंड डिनोमिनेटर 3, ये जो 2 आपको मिला है एलसीएम जो निकाले आप और उससे डिनोमिनेटर को डिवाइड किया गया तो जो आंसर आया उससे हम फर्स्ट फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 2 इंटू 2 बाई 3 इंटू 2, 2 इंटू 2 इक्वल 4, 3 इंटू 2 इक्वल 6, फ्रैक्शन 4 बाई 6, ये आप लाइक फ्रैक्शन में इसे चेंज कर दिए। सेकेंड फ्रैक्शन 5 बाई 6 है, इसे कन्वर्ट करेंगे लाइक फ्रैक्शन में, 1 आप डिवाइड किए थे तो इसमें हम लोग को क्या मिला था, 1 आंसर मिला, तो ये 1 मल्टीप्लाई करेगा न्यूमरेटर 5 एंड डिनोमिनेटर 6, 5 इंटू 1 बाई 6 इंटू 1, 5 इंटू 1 इक्वल 5, 6 इंटू 1 इक्वल 6, 4 बाई 6 एंड 5 बाई 6, ये आपका लाइक फ्रैक्शन में रेडी हो गया। अब हम लोग इसे ऐड करेंगे 4 बाई 6 प्लस 5 बाई 6, सेम डिनोमिनेटर है तो सेम डिनोमिनेटर का लाइक फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ लाइक फ्रैक्शन इक्वल सम ऑफ न्यूमरेटर बाय कॉमन डिनोमिनेटर, कॉमन डिनोमिनेटर विल बी 6, फर्स्ट न्यूमरेटर 4 प्लस सेकंड न्यूमरेटर 5, 4 प्लस 5 9, 9 बाय 6, इसे हम डिवाइड करके और इसे लोएस्ट टर्म में कर सकते हैं, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, मीन्स 3 बाई 2, आंसर विल बी 3 बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 प्लस 3 बाई 11, 2 मीन्स 2 बाई 1, यहाँ पे अगर ऐसे दिया रहा है और इसका डिनोमिनेटर नहीं दिया रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, ये 2 बाई 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका ये 1 यहाँ पे है और 11 यहाँ पे है, मीन्स 2 बाई 1 प्लस 3 बाई 11, वी फाइंड द एलसीएम ऑफ 1 एंड 11, इक्वल 11, 11 आपको मिला, ये 11 1 से डिवाइड होगा, वी गेट 11, 11 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 11 ही मिलेगा, फिर 11 डिवाइडेड बाय 11 वी गेट 1, 2 बाय 1 फर्स्ट फ्रैक्शन है तो इस 11 से न्यूमरेटर 2 और डिनोमिनेटर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 2 बाय 1 2 इंटू 11 बाई 1 इंटू 11, वी गेट 11 इंटू 2 इक्वल 22, 11 इंटू 1 11, ये फर्स्ट फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। सेकेंड फ्रैक्शन 3 बाई 11, 3 इंटू 1 बाई 11 इंटू 1, 3 इंटू 1 3, 11 इंटू 1 11, ये लाइक फ्रैक्शन में रेडी हो गया है, अब इसे हम ऐड करेंगे 22 बाई 11 प्लस 3 बाई 11, कॉमन डिनोमिनेटर 11, फर्स्ट न्यूमरेटर 22, सेकंड न्यूमरेटर 3, 22 प्लस 3 इक्वल टू 25, 25 बाई 11, 25 बाई 11 इसका आंसर होगा। इसमें क्या किया, ये जो 2 है इसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं दिया है, इसका मतलब हुआ कि इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, फिर इसका एलसीएम निकालेंगे, फिर इसे लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और लाइक फ्रैक्शन के फॉर्मूला पे ऐड कर देंगे। एक्सरसाइज 40, फर्स्ट क्वेश्चन इज ऐड ए नंबर 2 होल 1 बाई 2 प्लस 3 होल 1 बाई 2,
दिस फ्रैक्शन आर मिक्स्ड फ्रैक्शन, सो वी कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हम लोग क्या करेंगे, इसे कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। पहले फर्स्ट फ्रैक्शन टू होल वन बाय टू इंटीग्रल पार्ट इनटू डिनोमिनेटर इक्वल टू टू इंटू टू इक्वल टू फोर प्लस न्यूमरेटर वन, फोर प्लस वन फाइव, फाइव बाई टू। फर्स्ट फ्रैक्शन आपका इम्प्रॉपर में चेंज हो गया फाइव बाई टू। सेकेंड है सेकेंड थ्री होल वन बाई टू थ्री इंटीग्रल पार्ट इंटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर, थ्री इंटू टू इक्वल सिक्स, सिक्स प्लस वन सेवन, सेवन सेवन बाई टू। फ्रैक्शन सेवन बाई टू, फर्स्ट फ्रैक्शन फाइव बाई टू, सेकेंड सेवन बाई टू। फाइव बाई टू प्लस सेवन बाई टू, ये आपका फ्रैक्शन रेडी हो गया। ये फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन में है, तो हम सम ऑफ लाइक फ्रैक्शन के फॉर्मूला को फॉलो करेंगे, मीन्स सम ऑफ न्यूमरेटर बाई कॉमन डिनोमिनेटर। कॉमन डिनोमिनेटर विल बी टू, फर्स्ट न्यूमरेटर फाइव प्लस सेकेंड न्यूमरेटर सेवन, फाइव प्लस सेवन इक्वल टू ट्वेल्व, ट्वेल्व बाई टू, टू वन जा टू, टू सिक्स जा ट्वेल्व, आंसर विल बी सिक्स। आंसर क्या होगा, सिक्स होगा इसका। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में था, इसे इम्प्रॉपर में चेंज किया गया और उसके बाद उसे ऐड किया गया, तो इसके सेम डिनोमिनेटर है इसलिए ये लाइक फ्रैक्शन में है, तो लाइक फ्रैक्शन के फॉर्मूला को फॉलो करते हुए इसे ऐड किया गया। बी नंबर टू होल वन बाई टू प्लस वन होल टू बाई थ्री, ये भी आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो इसे भी हम कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर में। फर्स्ट फ्रैक्शन टू होल वन बाई टू टू इंटीग्रल पार्ट इंटू डिनोमिनेटर टू प्लस न्यूमरेटर वन, टू इंटू टू फोर, फोर प्लस वन फाइव, फाइव बाई टू। फर्स्ट फ्रैक्शन इज फाइव बाई टू, सेकेंड फ्रैक्शन वन होल टू बाई थ्री इंटीग्रल पार्ट इंटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर, वन इंटू थ्री थ्री, थ्री प्लस टू, थ्री प्लस टू फाइव बाय थ्री। ये आपका रेडी हो गया फ्रैक्शन फाइव बाई टू प्लस फाइव बाई थ्री। नेक्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर फाइव बाई टू में टू है डिनोमिनेटर, फाइव बाई थ्री, थ्री इज डिनोमिनेटर, तो यहां पे डिफरेंट डिनोमिनेटर है, तो हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर टू एंड थ्री इक्वल टू सिक्स, इसका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम विल बी सिक्स। फर्स्ट फ्रैक्शन फाइव बाई टू मीन्स आपको टू से सिक्स को डिवाइड करना, सिक्स डिवाइडेड बाई टू वी गेट थ्री, सिक्स डिवाइडेड बाई थ्री वी गेट टू। इस थ्री से इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स फाइव इंटू थ्री बाई टू इंटू थ्री, फाइव इंटू थ्री इक्वल फिफ्टीन बाई टू इंटू थ्री इक्वल सिक्स। फर्स्ट फ्रैक्शन आपका लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। सेकेंड फ्रैक्शन फाइव इंटू टू बाई थ्री इंटू टू, फाइव इंटू टू टेन, थ्री इंटू टू सिक्स, फिफ्टीन बाई सिक्स, फिफ्टीन बाई सिक्स प्लस टेन बाई सिक्स। कॉमन डिनोमिनेटर विल बी सिक्स, फर्स्ट न्यूमरेटर फिफ्टीन प्लस सेकेंड न्यूमरेटर टेन, फिफ्टीन प्लस टेन, फिफ्टीन प्लस टेन, फिफ्टीन प्लस टेन इक्वल टू ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव बाई सिक्स। ये ट्वेंटी फाइव बाई सिक्स जो है ये आपका आंसर होगा। इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में इस आंसर को ला सकते हैं, सिक्स से ट्वेंटी फाइव को डिवाइड करेंगे, सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर, फाइव माइनस फोर वन, टू माइनस टू जीरो, मीन्स फोर होल वन बाई सिक्स, आंसर विल बी फोर होल वन बाई सिक्स। थैंक यू।